जिंदगी को लेकर दिमाग में डर घुसाने के अलावा भी स्कूल में सिखाई गई एक चीज रियल लाइफ में काम आता है, वो है कंसिस्टेंट होना। क्लास या प्रैक्टिकल्स मिस मत करना, दी अटेंडेंस, वरना स्कूल मार्क्स काटेंगे। लाइफ या करियर का भी ना सेम फंडा है, बस वो मार्क्स नहीं काटते। कंसिस्टेंसी इज द की, ये कितने बार सुने हो, पर कोई नहीं बोलता कि वो चाबी द की घुसाना किस ताले में है या कैसे है। और ये चलती तस्वीरों की दुनिया में बहुत सारे क्रिएटर्स है और हर एक का कंसिस्टेंट होने का पैटर्न स्टाइल्स अलग अलग है। ऑलमोस्ट कोई हफ्ते में एक या दो, तीन पांच या दो हफ्ते में, किसी का महीने में, किसी का छह महीने में, और किसी का वीडियोस नहीं आते, अभी एड्स आते हैं सिर्फ। बट वही तो भाई, कंसिस्टेंट ही नहीं हो पा रहा हूँ। आई फील यू भाई, क्योंकि वीडियो बनाने का खेलना 90% एंड 10% का मिक्स है। 90% है फिगर आउट करना, कि क्या बनाना है, आइडिया कैसे और कब बनाना है, और उस पे एक्चुअली एक्शन लेना इज दैट 10%। वो इतना कम एक्शन। जी हाँ, ऐसे वीडियो बनाना है ना जिसमें लोगों को शुद्ध मजा आए, इनकॉग्निटो वाली मजा नहीं, है ना। इसीलिए फिगर आउट सेक्शन का पहला स्टेप है एक डेडलाइन, जो बहुत बेसिक लेवल्स पे डेट्स होते हैं सिर्फ। हफ्ते में इस डेट पे अपलोड करना है, इस मंथ में इस सर्टेन डेट पे ही अपलोड करना है, दैट वन। सिर्फ ऐसा डेडलाइन हुआ ना तो स्ट्रेस और मोटिवेशन को पूजा कर रहे हो तुम, क्योंकि आइडियाज तुम्हें आना ही है इस दिन में, शूट तुम्हें कंप्लीट करना ही है इस दिन में, एडिट भी हो जाना है कंप्लीट इस दिन में। जो थोड़ी देर झेलने के बाद हम आसान वाले रूट चूज कर लेते हैं, द इजी वे टू डू इट, कैसे भी करके उस दिन में जल्दी कॉन्टेंट बनाने का, या किसी को देख के, या फिर बिना इंटरेस्ट के चीजों पे, रिसर्च में निकला गया आसान चीज पे, जिसे फॉलो करने से तुम कंसिस्टेंट तो हो जाओगे, बट किस ताले का, एवरेज नाम की ताले का। इसीलिए आई थिंक एफर्ट अगर डेट बेस्ड ना होके कॉन्सेप्ट बेस्ड हुआ ना, तो लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रहना बहुत आसान है, कम मुश्किल है, बहुत कम मुश्किल है। सर्टेन एक डेट पे डालने के लिए ही कॉन्सेप्ट सोचना नहीं, सर्टेन एक आइडिया सोचने के बाद उसको किस डेट पे कंप्लीट करना है, इस पे एफर्ट ज्यादा। अब इस पे भी दिक्कत है, दो एक्सट्रीम है एकदम। एक है दो दिन के अंदर अंदर कुछ भी सोच के बना देना, और दूसरा है महीने भर बैठ के तुम एक कॉन्सेप्ट सोच रहे हो। दोनों ही ठीक नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। कीबोर्ड वॉरियर्स के ओपिनियंस नहीं है कि सिर्फ एक एक्सट्रीम होगा, सिर्फ लेफ्ट या राइट, ब्लैक या व्हाइट। अरे ग्रे सेक्शन पे आओ ना, उसमें ना सबसे ज्यादा सोल्यूशन है, और बिजनेस भी। अपनी पसंद के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना, उस पे एफर्ट ज़्यादा दो। और एक्चुअली जल्दी कॉन्सेप्ट्स भी कैसे सोचते हैं, इस पे वीडियो फ्यूचर मी बना रहा है कहीं पे बैठ के। बेसिकली चीज़ ये है कि कॉन्सेप्ट्स की प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी वीडियो देने का टाइमलाइन, टाइम फ्रेम को चूज करो, बट डेडलाइंस को डेट्स के हिसाब से नहीं, गैप्स के हिसाब से दिमाग में रख के। जो गैप हर किसी का अपना अपना होगा ऑब्वियसली, दो तीन दिन के अंदर हो सकता है, सात दिन हो सकता है, एक महीना हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली, ताकि मिस ना हो अपलोड, चैनल या प्रोफाइल का एक फ्लो बरकरार रहे, लोगों को पता चले, वरना सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास जाते रहोगे और लास्ट में बोलोगे कि कुछ नहीं सीखा। बोला था ना कि 90% है फिगर आउट करने को, तो ये सारे चीजें उस परसेंटेज के अंदर आता है। जो मुश्किल है क्या, कब, कैसे करना है फिगर आउट करना, इसीलिए फिगर आउट करना है। ऐसे ही तुम्हारा कीमती वक्त का 90% थोड़ी ही मांग रहा है। अच्छा, जो गैप सेट करूंगा उसका 90%, लेकिन एनी आइडियाज तो है बट फिर भी हो नहीं रहा है, क्योंकि मे भी बाकी का 10% से तुम फेल हो रहे हो बार बार, जो है टेकिंग एक्शन। इवन इफ वी फिगर आउट कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, सब कुछ, फिर भी हम एक्ट नहीं कर पाते टाइम पे। वेल, बहुत सारे गुड हैबिट्स के अलावा भी एक चीज इसका कारण है, वो है द लैक ऑफ पर्पस। जो देश को हेल्प करने वाली जैसी बड़ा नहीं है, रिलैक्स, जस्ट एडिंग सम पर्पस टू द नेक्स्ट वीडियो, यही है। देखो, सोलो कॉन्टेंट क्रिएशन ऐसे ही थोड़ा लोनली प्रोसेस है। जितना पर्पस, छोटे छोटे पर्पसेस जितना ऐड करते रहोगे नेक्स्ट वीडियोज में, लॉन्ग टर्म में उतना बेटर। अपने पसंद की किसी भी चीज के ऊपर लिखना, अपनी किसी भी एक छुपी हुई खूबियां दिखाना, नई जगह, नई लोकेशन बेस्ड आइडियाज, अपने पर्सनालिटी के झलक हर वीडियो में लोगों तक पहुंचाना, नया कोई स्टोरी टेलिंग स्टाइल जो मूवी में देख के तुम्हें बहुत पसंद आया है, या नया प्रोडक्ट्स जो अपने आप में एक पर्पस है, मैंने बोला भी, ऐसे छोटी छोटी पर्पस हर नेक्स्ट वीडियो के साथ अटैच करने की कोशिश करो। और अब इवन इफ यू फिगर आउट ऑल द 90%, उसके साथ पर्पस भी है थोड़ा बहुत, आई थिंक रिजल्ट्स को लेके बहुत ज्यादा डर रहे हो। कैसे पता? बिलीव मी, कोई फायदा नहीं है, जो होना है होगा, तुम बस करते रहो और लॉन्ग टर्म सोच के देखो, स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। और अगर 90% के सब फिगर आउट करने के बाद पर्पस ऐड करके स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रिजल्ट्स की स्ट्रेस को मैनेज करने के बाद भी एक्ट नहीं हो पा रहा, तो
क्योंकि तब ना तुम सिर्फ शैतान हो, स्कूल के बच्चों को बोलने वाली शैतान नहीं। बट ऑलवेज रिमेंबर, अपने पर्पस लिस्ट में क्वालिटी को ज्यादा डालो, लोग गैप्स का कारण फिगर आउट कर लेंगे। 90% लोग एटलीस्ट।